हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के हिंदी मीडियम के प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें हिंदी में संख्या को अंकों में लिखना है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर शब्दों में दिए हैं और हमको क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 990, इनको हमको क्या लिखना है, इनको वर्ड में लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ये सॉरी, ये वर्ड में लिखा है मतलब शब्दों में लिखा है, इसको न्यूमरल में लिखना है मतलब अंकों में लिखना है। तो अंकों में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर डाल के लिखेंगे 90,990,990, ठीक है ना, 90,990, ठीक है ना। इस टाइप से आपको क्या लिखना है, ये
अब न्यूट्रल में दिया है, इसको बाइट में लिखना है। पहले बाइट में दे रहा था, न्यूट्रल में लिखना था, अब न्यूट्रल में दे रहा है तो बाइट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है हमको, इसको हमको न्यूट्रल में दे रहा है और हमको बाइट में लिखना है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल मतलब अंकों में दे रहा है और हमको शब्दों में क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने शब्दों में इसको राइट डाउन कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सेकंड क्वेश्चन है इसका 489305। तो सबसे पहले लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, फिर इसको गिनेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000। तो यहाँ पर लिखा है 48
5 लाख रुपया। इस टाइप से इन दोनों को क्या बताना है हमको, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, मतलब अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो 5 लाख है ना उसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारा 500 आया है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, कैरी आएगी 1, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, कैरी आएगी यहाँ पे 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, कैरी आएगी यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस टाइप से जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो हमारा 4,99,500 क्या आएगा,
वाले 5 का स्थानीय मान निकालना है और फिर इस वाले 5 के स्थानीय मान में से इस वाले 5 के स्थानीय मान को माइनस करना है और जो माइनस आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, वो ही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं हम, ठीक है ना। पहले ढाई के 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ढाई के स्थानीय ढाई का स्थानीय मान होगा 50, फिर इकाई ढाई से का हजार दस हजार, तो 10,000 के 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50,000 होगा, ठीक है ना। फिर 50,000 में से 50 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं हम, ये हमने माइनस कर दिया, जीरो भी जीरो जीरो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 1919 यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से हमारा आंसर निकल कर आएगा 49,950, क्या निकल कर आएगा 49,950। तो इस टाइप से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से क्या करना है हमको, सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बचे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है ना, तो 40,000, फिर 6,000,
फिर 200, फिर 90, फिर 9, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये विस्तार प्रूफ आपको करना है, ठीक है ना। तो जो जिस नंबर का आ रहा है, मतलब जो जिसका स्थानीय मान है वही हमको क्या लिखना है, इसको तोड़ के लिखते जाना है। तो ये क्या होता है, ये हमारा विस्तार प्रूफ होता है, ठीक है ना। इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म, इसी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैंने इसके आपको दो क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। तो टू क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, टू क्वेश्चन ही आपका होमवर्क है, घर पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाना है हमारा फिफ्थ। लेकर आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।